जय जिनेंद्र, मैं रितिका बोरा पेरम्बलूर से आज आपको बटर बिस्किट कैसे बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम्स बटर। मैंने यहाँ पे अमूल सॉल्टेड बटर लिया है, 200 ग्राम्स पाउडर्ड शुगर, 500 ग्राम्स मैदा और 10 ml मिल्क। पहले हम एक बाउल में एक बटर लेके उसके अंदर वो पाउडर्ड शुगर डाल देंगे। दोनों को अच्छे से डबल ब्लेंडर से बीट करेंगे। अब हम इसके अंदर 10 ml जो मिल्क रखा था वो डालेंगे और वापस ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। अभी अच्छे से बीट हो गया है, इसके अंदर हम मैदा डालेंगे और अच्छे से हाथ से मीट करेंगे। अगर आप मैदा प्रेफर नहीं करते हो तो आप आटा भी डाल सकते हो, इसे अच्छे से हाथ से मीट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है थोड़ा गीला है तो और एक्स्ट्रा मैदा भी ले सकते हो, इसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप शुगर भी ले लेना थोड़ा सा। मैंने मैदे को मिक्स करके एक अच्छा सा डो बना दिया है, इसको अच्छे से नीट कर देंगे। डो को इसी कंसिस्टेंसी में रखेंगे, ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा थिक भी नहीं। उसके बाद हम कुकीज़ बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब हम बिस्किट बनाना स्टार्ट करेंगे। डो को लेके अच्छे से सॉफ्टली नीट करेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है बिस्किट को। और इसके ऊपर हम एक फोक लेके डिजाइन करेंगे। यहाँ पे एक लीफ का डिजाइन कर रही हूँ। आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। और मैं बेकिंग ट्रे में रख रही हूँ। इसे भी डिजाइन कर सकते हो आप। उसके मैंने पूरे कुकीज बना के बेकिंग ट्रे में डाल के रख दिए हैं। इसे थोड़े स्पेस डाल के रखना है। मैंने यहाँ पे OTG को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्रीज पर 10 मिनट्स के लिए रख रही हूँ। अगर आपके पास OTG नहीं है तो आप बाटे पर या कुकर जैसे केक बेक करते हो वैसे भी आप ट्रे में डाल के कर सकते हो। क्या है अब मैं इसको बेक होने के लिए डाल दी दोनों ट्रे को। इनको मैं अब आके 180 डिग्रीज पर 20 मिनट्स तक छोड़ दूँगी, उसके बाद चेक करेंगे। ये देख सकते हो हमारे कुकीज़ बन के रेडी हो गए हैं। देख सकते हो कैसे फूल गए हैं। अच्छा स्पेस रखिए। आप देख सकते हो बिस्किट कितने अच्छे निकल रहे हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए अच्छे सॉफ्ट हो रहे हैं। इसको थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए फिर आप इसको खा सकते हो। थैंक यू।